गुलबर्गा शहर में 24 दिसंबर को बैटलफील्ड ऑफ एक्शन डोजो के नाम से मार्शल आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें गुलबर्गा, यादगिर, हैदराबाद, नागपुर और दीगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से कुल 300 के करीब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्टूडेंट के बीच कुल 600 के करीब फाइट्स कराए गए हैं। कराटे मास्टर रहीम गोरी गुलबर्गा शहर में पिछले 12 साल से एक्शन डोजो के नाम से मार्शल आर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। 24 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किए गए कंपटीशन में गुलबर्गा शहर से पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मिजबानगर और हागरगा रोड अमरनगर ब्रांच, इखरा पब्लिक स्कूल, जोहरा कन्नड़ा मीडियम स्कूल, खुलफाए राशिदीन मदरसा, पीस इस्लामिक स्कूल आज़ादपुर रोड, असरा पब्लिक स्कूल और दीगर कई स्कूल मदरसा के स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। आजकल हर घर के बच्चे फिजिकल गेम्स को भूल कर मोबाइल गेम्स खेलने में बिजी हो गए हैं। हर स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को कराटे, मार्शल आर्ट जैसी ट्रेनिंग दे सके। एक्शन डोजो से रहीम गोरी एंड टीम शहर के मुख्तलिफ स्कूल मदरसे में स्टूडेंट्स को कराटे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और ख़ासकर हर रोज सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक केसीडी कॉलेज ग्राउंड में फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। रहीम गोरी ने बताया, एक्शन डोजो में कई मेल इंस्ट्रक्टर्स के अलावा फीमेल इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं और लड़कियों को हिजाब के साथ पर्दे का ख्याल रखते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर किसी स्कूल, मदरसा या कॉलेज में इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किए गए कंपटीशन में चीफ गेस्ट यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन से PSI रेणुका देवी, SDPI लीडर अली मिलाई, हैदर अली बागबान और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम रहीम गौरी है और मैं 2012 से 11-12 से जो है मार्शल आर्ट्स ट्रेन कर रहा हूँ गुलबर्गा में। बेसिक कराटे के साथ साथ ताइक्वांडो और डिपार्टमेंट वालों को पुलिस में ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं हम लोग। तो 2011-12 में एक्शन डोजो का फाउंड हाउस है, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हाल ही में 24 दिसंबर संडे के दिन हमारा एक कंपटीशन हो गया बैटलफील्ड ऑफ एक्शन डोजो, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस इवेंट में। काफ़ी सारे बच्चे गुलबर्गा के बाहर से भी आए थे, नारंगपीठ से थे, मक्तल से थे और हैदराबाद से, नागपुर से कुछ बच्चे आए हुए थे। और उसके अलावा गुलबर्गा में जो है अलग अलग स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, पीस इस्लामिक स्कूल से और इखरा स्कूल से, जहरा कन्नड़ा मीडियम स्कूल से, काफ़ी सारे स्कूल से जो है बच्चे हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 101% सक्सेसफुल रहा हमारा इवेंट। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक इवेंट चला। 300 बच्चे थे तो उनकी डबल कम से कम 600 फाइट्स हुए उस इवेंट में। इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट एरिया सब इंस्पेक्टर रेणुका देवी मैम जो है आए थे और साजिद सर जो कि एक नेशनल बॉडी बिल्डिंग एथलीट है उन्होंने थे और हैदर अली सर थे। ये लोग जो है हमारे इवेंट को सक्सेसफुल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किए हैं। मैं सारे चीफ गेस्ट का जो है दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इनके अलावा जो है गुलबर्गा के अलग अलग स्कूल से जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ के प्रिंसिपल्स भी आके, वहाँ के जो है डायरेक्टर्स और टीचर्स वगैरह भी आके जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट किए हैं। साथ ही साथ मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो है काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो अलग अलग स्कूल्स में क्लासेस लेते हैं। पहले तो आमिर मास्टर जो आज़ादपुर पीस इस्लामिक स्कूल में क्लास लेते हैं, यासीन मास्टर जो मजार उन मदरसे में क्लास लेते हैं, हमारे पास फीमेल इंस्ट्रक्टर भी है जो जहरा हॉस्टल में ट्रेनिंग देते हैं, और फरदीन सर जो इखरा पब्लिक स्कूल में क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्टर है मोहसिन संगापुरी जो खुलफा राशिदीन मदरसे में और असरा पब्लिक स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं। इनके अलावा मैं खुद पर्सनली जो है मिजबानगर और हागरगा ब्रांच पीस इस्लामिक स्कूल में जो है बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। इसके अलावा जो है KCT ग्राउंड में हमारी रेगुलर मॉर्निंग 6:30 से 8:00 तक जो है ट्रेनिंग चलती, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तो चाहते हैं कि ये हर स्कूल में जो है बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले और जो है फिजिकली फिट रहे। उसके लिए जो है एक ऐसा एक स्पोर्ट्स टीचर या फिर एक किसी भी तरह का गेम जैसे कि ताइक्वांडो, कराटे या फिर जूडो, किसी भी तरह का कॉम्बैक्ट गेम स्कूल में होना और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना, इसके लिए जो है एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसे मौक़ों पे जो है हमारे इंस्ट्रक्टर्स ऑल द टाइम रेडी है। अगर किसी भी स्कूल्स में अपकमिंग जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे अगर किसी भी स्कूल्स में अगर किसी भी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाता, जो है हम लोग वहाँ पे इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मार्शल आर्ट के जैसे गेम्स जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं उसमें जो है बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि
बच्चे अगर खेले, हम लोग क्या करते हैं उनको ईयरली एक प्राइवेट टूर्नामेंट गुलबर्गा में जैसे इस बार किए थे वैसे ही प्राइवेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा के बच्चों को देखते कि उनके स्किल्स डेवलप करते, उन्हों कैसा करते क्या नहीं, देख के उसमें से सेलेक्टेड बच्चों को हम लोग गवर्नमेंट के गेम में पार्टिसिपेट करवाते। बहुत सारे गेम्स है, ताइकोंडो का होता, वुशू का होता, अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में हम लोग वुशू का एसोसिएशन ले हुए हैं जिसके प्रेसिडेंट आमिर सर हैं, तो वैसे गेम्स में हम उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। गवर्नमेंट का एक बार स्टेट नेशनल्स जीतने पे जो है बच्चों को 1-1 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप आती, मेडिकल इंजीनियरिंग की सीट फ्री मिलती और जो है गवर्नमेंट जॉब फिक्स होती एक बार नेशनल जीतने से, तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ है इसके। तो मेरी यही गुजारिश है कि स्कूल सारे स्कूल्स में, गुलबर्गा के सारे स्कूल्स में जो है इस चीज़ को प्रमोट कीजिए और जो है अपने बच्चों को ट्रेन, हम आके आपके बच्चों को सारे सबको ट्रेन करेंगे और सबको मौका देंगे आगे जाने का। पेरेंट्स सबसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से रहती, आजकल जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट है चीज़ों से वो उसमें जो है मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है पेरेंट्स का सपोर्ट है उनको। अगर उन्हों आपका पेरेंट्स का सपोर्ट ठीक से मिला तो बच्चे उधर इधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाते हैं। तो मार्शल आर्ट एक ऐसा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब कैसा ठहरना है, कैसा उठना बैठना ये नहीं सिखाते हम लोग, डिसिप्लिन मतलब एक रूटीन बताते बच्चों की उनको क्या सीखना है क्या करना है, ये एक रूटीन बनाते उनका पूरा। मार्शल आर्ट से जो है उनका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता, तमीज़ और तहजीब आ जाती है उनके अंदर। बहुत सारे चीज़ें हैं जो बंदे को चेंज कर देते, इंसान को जो है चेंज कर देते। लड़ना ये कॉम्बैक्ट गेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़ना सिखाया जाता, इसमें बच्चे को तरबियत देने के बारे में भी हम जो है ख्याल रखते हैं, जिसमें जो है डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी बंदे को, किसी बच्चे को ये मालूम नहीं है कि उसको क्या करना है इन फ्यूचर, तो फिर उसका मुस्तकबिल ना पेरेंट्स तय कर सकते ना जो है बच्चा खुद तय कर सकता। इसलिए जो है मेरी यही गुजारिश है सारे पेरेंट्स से कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, हमारे पास नहीं एक्शन डोजो में नहीं या कहीं और किसी भी स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में नहीं या फिर किसी और स्पोर्ट्स में, बट सारी कम्युनिटी को ये ज़रूरी है कि उनका हर एक बच्चा किसी ना किसी स्पोर्ट्स में रहना ज़रूरी है। तो हम जो है कॉम्बैट स्पोर्ट चुने हैं, आप चाहे तो हमारे पास छोड़ सकते हैं या फिर किसी और स्पोर्ट्स में, बट स्पोर्ट्स से दूर मत कीजिए बच्चों को।